बीते कई हफ्तों से कई टीवी स्टार्स के नाम नागिन के छठे सीजन से जुड़ रहे हैं। वहीं अब खबरें सामने आई हैं कि एक बार फिर से एकता के शो में उनकी फेवरेट एक्ट्रेस और टीवी की कोमलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया धमाल मचाती नजर आएंगी। जी हां, नई अपडेट के मुताबिक पता चला है कि एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया को शो का ऑफर मिला है। चर्चा है कि इसमें उर्वशी एक मजबूत किरदार निभाती नजर आएंगी। आपको बता दें कि एकता और उर्वशी की जोड़ी जब जब टीवी पर आई है हिट ही साबित हुई है। कसौटी में कमलिका का रोल हो या फिर कभी स्वतंत्र कभी सहेली में सोनिया का किरदार। और अब अगर वाकई उर्वशी नागिन 6 में लौट आती हैं तो जाहिर तौर पर इस बार भी उर्वशी का किरदार काफी दमदार होना तय ही समझिए। आपको बता दें कि उर्वशी के अलावा तीन और स्टार्स के नाम नागिन 6 के लिए सामने आए हैं। उर्वशी के अलावा जो दूसरा नाम सामने आया है वो है नागिन सीरीज का पहले ही हिस्सा रह चुकी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन। जी हाँ, सुधा जिन्होंने यामिनी का किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी, एक बार फिर से नागिन 6 में उनकी वापसी की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि नागिन सीजन 5 के वक्त भी सुधा की वापसी की काफी चर्चाएं हो रही थी। हालांकि इस बार अगर वाकई यामिनी की वापसी होती है तो फैंस तो काफी खुश होंगे। वही तीसरा नाम जो सामने आया है वो है एक्टर सिद्धांत गुप्ता का। लंबे वक्त से नागिन 6 में लीड रोल के लिए कई एक्टर की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं अब इस लिस्ट में एक बार फिर से सिद्धांत गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है। खबरें हैं कि मेकर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सिद्धांत शो में लीड रोल में नजर आ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि नागिन 6 में दो लीड एक्टर के होने की भी खबरें सामने आई हैं, जिसमें एक नाम सिद्धांत का बताया जा रहा है तो दूसरा नाम सामने आया है एक्टर आशीष त्रिवेदी का। हालांकि आपको बता दें कि नागिन 6 को लेकर अभी किसी भी एक्टर के नाम को ऑफिशियली तौर पर जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन वाकई उर्वशी शो में लौटती हैं और यामिनी भी शो में वापसी करती हैं तो शो तो काफी धमाल जरूर मचाएगा। भला आप इन सभी नामों के सामने आने के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन, अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में।